क्वेश्चन नंबर टू में आपको बोल रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई के बेलन की रचना कीजिए। तो बेलन आपने घर में भी देखा होगा, मम्मी रोटी बनाती है तो उसे भी क्या कहते हैं, बेलन। आपने देखा होगा बेलन जो है वो इस तरह से राउंड शेप, इस तरह से लंबा सा होता है और ऐसा राउंड शेप में होता है, ठीक है, ऐसे राउंड शेप में होता है। तो ये आपका कुछ, आपको कुछ नजर आ रहा है इस तरह से, आपने देखा होगा क्या होता है, ऐसे क्या होती है, पाइप होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक पाइप भी होती है जो इस तरह से दोनों तरफ से खुली हुई होती है और एक लंबी सी ऐसा जाता है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो हमको बनाना था 5 सेंटीमीटर जो भुजा हमको दी गई है, लंबाई जो हमको दी गई है उसके, उससे हमको ये बेलन बनाना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है कि यहाँ पर मैंने जो है ए बी ए डैश बी डैश दोनों तरफ लिया है 5-5 सेंटीमीटर का, आपको भी स्केल से इस तरह से 5-5 सेंटीमीटर ले लेना है। और ये जो है वो कागज का टुकड़ा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कर्व इसलिए बना गया क्योंकि कागज जो है वो इस तरह से हिलते रहती है ना, तो ये कर्व के आकार में मैंने बनाया हुआ था। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये आयत जैसे दिख रहा है, ठीक है, आयत ही है ये हमारा इस तरह से, ठीक है। तो इसको मोड़ के मुझे क्या बनाना है, बेलन बनाना है। तो ये आयत जो है वो कैसे बेलन बनेगा, बेलन क्या होना चाहिए कि सीधी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं इस तरह से, तो ये सीधी होनी चाहिए, ठीक है, ये सीधी होनी चाहिए और ऊपर से और नीचे से मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये जो बेलन है इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए कि ये मेरा ए बी है और ये मेरा ए डैश बी डैश है, ठीक है। तो यदि मैं इसको इस तरह से मोड़ देती हूँ, यदि मैं इसको इस तरह से मोड़ देती हूँ, ये देखिए, तो ये मेरा क्या बन गया, बन गया बेलन कि एक सीधा है ये सीधा है और ये ऊपर से यहाँ पर राउंड शेप है, यहाँ पर भी राउंड शेप है, एक पाइप के आकार का बन गया। तो ये मेरा क्या बन गया, बेलन, ठीक है। तो सेम हमको यहाँ पर वैसे ही करना है, एक आयता का कागज का टुकड़ा लेना है जिसको मैंने नाम दिया है ए बी ए डैश बी डैश, ठीक है। क्या लिखोगे आप, एक आयता का कागज का टुकड़ा जिसकी चौड़ाई क्या है 5 सेंटीमीटर है, जिसको नाम दिया हम क्या, ए बी ए डैश बी डैश, ठीक है। आगे आप लिखोगे लंबाई के अनुदिश, जब मैंने ये आयता का कागज का टुकड़ा लिया जिसकी जो चौड़ाई है, जो लंबाई है वो हमारी क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसको नाम दिया है ए बी ए डैश बी डैश। जब मैंने यहाँ पर मोड़ा तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है लंबाई के अनुदिश में मोड़ रही हूँ इस तरह से, ये जो लंबाई है मेरी उसके अनुदिश में मोड़ रही हूँ, तो चौड़ाई मेरा मोड़ा क्या, नहीं, चौड़ाई जो है वो मेरा सेम है, ये देखिए ये सेम है, ये नहीं मोड़ रहा है, सिर्फ ये जो राउंड शेप था जो मेरा लंबाई था वो मोड़ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं पन्ना को मोड़ूंगी तो लंबाई के अनुदिश मोड़ूंगी, तो देखिए ये जो मेरा ए जो है, ये जो मेरा ए है ना, ये जो मेरा ए है वो ए डैश को ढक रहा है इस तरह से, और जो बी है वो बी डैश को ढक रहा है इस तरह से, तभी मेरा बेलन बनेगा, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पर वही लिखेंगे, लंबाई के अनुदिश, ठीक है, लंबाई के अनुदिश, अनुदिश यानी क्या हो गया, अनुसार, दिशा के अनुसार, ठीक है। तो लंबाई के अनुदिश कागज को मोड़ने पर ए ए जो है वो ए डैश को बी बी डैश को ढक लेता है, ठीक है। लंबाई के अनुदिश कागज को मोड़ने पर ए डैश को तथा बी बी डैश को ढक लेता है, इस प्रकार जो हमारा क्या है, बेलन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो चलिए इसको फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबाई के बेलन की रचना हेतु एक आयता का कागज का टुकड़ा, क्या लिखा मैंने, क्या कहा मैंने, 5 सेंटीमीटर लंबाई के बेलन की रचना हेतु एक आयता का कागज का टुकड़ा ए बी ए डैश बी डैश, ऐसे लिखोगे ए बी ए डैश बी डैश, कोई कॉमा नहीं कुछ नहीं, ठीक है, एक साथ ऐसा लिखना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसा वन वन लिखते हैं, वन नहीं है ये, ठीक है, ये डैश है, इस तरह से डैश लगा रहे, ठीक है। क्या लिखोगे, 5 सेंटीमीटर लंबाई के बेलन की रचना हेतु एक आयता का कागज का टुकड़ा ए बी ए डैश बी डैश लिया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आगे लिखोगे लंबाई के अनुदिश, ये डायग्राम बनने के बाद लिखना है, ठीक है, लंबाई के अनुदिश, ठीक है। पहले आप लिखोगे
5 सेंटीमीटर लंबाई की बेलन की रचना है तो एक आयता का कागज का टुकड़ा ए बी ए डैश बी डैश लिया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। देन आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर आप लिखोगे लंबाई के अनुदिश कागज को मोड़ने पर, लंबाई के अनुदिश कागज को मोड़ने पर ए ए डैश को तथा बी बी डैश को ढक लेता है। इस प्रकार एक खोखला बेलन प्राप्त हुआ जिसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद आपको नीचे डायग्राम भी बनाना होगा जिसकी ये जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, जब आप ये लिखने के बाद लंबाई के अनुदिश कागज को मोड़ने पर ए ए डैश को तथा बी बी डैश को ढक लेता है, इस प्रकार एक खोखला बेलन प्राप्त हुआ जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। देन आपको ये डायग्राम बनाना है जिसमें ये जो लंबाई है वो क्या होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोलेगा वो आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर दो सर्वांगसम त्रिभुज लेना है और उससे आपको त्रिभुजी प्रिज्म बनाना है। प्रिज्म आपने देखा होगा कांच का बना होता है प्रिज्म, ठीक है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे ये आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको बोला है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की दूरी इस तरह से लेंगे। ठीक है, स्केल से आपको 5 सेंटीमीटर की खींचना है। तो ये देखिए मैंने 5-5 सेंटीमीटर दोनों तरफ खींच लिया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मिला देती हूँ, मैं यहाँ पर दोनों तरफ मिला रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 5-5 सेंटीमीटर ये जो है 5 सेंटीमीटर खींच लिया है। ठीक है, क्योंकि हमको 5 सेंटीमीटर की दूरी बोल रहा था। अब यहाँ पर आपको बनाना है त्रिभुज, वो भी क्या होने चाहिए सर्वांगसम यानी कि लगभग बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आपका जो प्रिज्म होता है वो इस तरह के होता है, या तो आप ऊपर की ओर बनाओगे इस तरह से, तो ऊपर की ओर बना रहे हो, ऊपर दिशा की ओर बना रहे हो, तो नीचे का जो त्रिभुज है वो भी ऊपर की ओर बना चाहिए इस तरह से। ऐसा नहीं बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, दोनों का जो दिशा है वो या तो आप ऊपर बना रहे हो तो ऊपर की ओर होना चाहिए, या आप नीचे की ओर बना रहे हैं तो नीचे की ओर होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, और ये जो शीर्ष जो होता है पॉइंट टू पॉइंट वो इस तरह से मिला होता है। तो ये आपने देखा होगा आपने प्रैक्टिकल करते हुए या फिर किसी को देखा होगा रखन में रखे हुए, तो ये कांच का बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह से होता है। ठीक है, वैसे ही हमको सेम यहाँ पर बनाना है। तो मैंने क्या कहा कि हमारी जो दिशा है या तो ऊपर की ओर होना चाहिए या फिर नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस प्रकार बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पर मैं त्रिभुज बनाना है हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। जो पॉइंट होना चाहिए हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से सेंटर पॉइंट ले लेती हूँ, ये मुझे इतना में ही बनाना है। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगी इससे दोनों पॉइंट को मिला दूंगी। ठीक है, इस तरह से आप देखिए जो ये मैंने एक बनाया। ठीक है, अब जो दूसरा मैं बनाऊंगी वो भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर पर ही होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है वो मेरा 5 सेंटीमीटर पर आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो बीच का पॉइंट है ना, ये जो बीच का मैंने जो रेखा खींचा वो भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका सही प्रिज्म बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया था उसमें जो लंबाई ली थी वो भी 5 सेंटीमीटर की ली हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ से एक त्रिभुज बनाया रैंडमली। ठीक है, फिर यहाँ पर जो मेरे को पॉइंट मिला उससे मैंने 5 सेंटीमीटर का फिर से खींचा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला उससे फिर मैंने मिला दिया। तो इस प्रकार आपका जो है वो जो प्रिज्म है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको नाम देना होता है, तो नाम हम देंगे ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर नाम दे दूं मैं डी ई एफ, इस तरह से मैं यहाँ पर नाम दूंगी। ठीक है,
तो यहाँ पर आप यदि लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो सर्वांगसम त्रिभुज है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। क्या लिखा मैंने? क्या कहा? ए बी सी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ दो सर्वांगसम एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ दो सर्वांगसम, ठीक है, यहाँ को पॉइंट लगाना है, दो सर्वांगसम त्रिभुज है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमारा जो है वो प्रिज्म, त्रिभुजी प्रिज्म हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जब आप इसकी रचना करेंगे तो आप इस प्रकार लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ दो सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक है, जिनकी बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए कि ए जो है वो डी से मिला हुआ है, बी जो है वो ई से मिला हुआ है, एफ जो है वो सी से मिला हुआ है, तो ये भी जो है हमें रचना में लिखना होगा। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डी एफ दो सर्वांगसम त्रिभुज है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए को डी से, बी को ई से तथा सी को एफ से मिलाया, इस प्रकार हमारा त्रिभुजीय प्रिज्म प्राप्त हुआ। इसे आप, इस डायग्राम को आप इस तरह से बना सकते हैं, सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए, ठीक है, इस तरह से, फिर आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर पॉइंट कीजिए, ठीक है, उसके बाद इससे होते हुए आप त्रिभुज बनाइए, फिर ध्यान रखेंगे ये जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर पॉइंट करने के बाद आप सबसे पहले इधर से नाप लीजिए कि ये भी हमारा जो होना चाहिए 5 पर ही आना चाहिए, इससे आपका जो है त्रिभुज सही बनेगा। इस तरह से, ठीक है, इसको मिलाते हुए इस तरह से भी आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, लेकिन जब आप रचना करेंगे तो यही लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ दो सर्वांगसम त्रिभुज है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए को यदि मैं इसे नहीं मिलाऊंगी तो ये सिर्फ मेरा क्या रह जाएगा? त्रिभुज रह जाएगा, इसे मिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए आप रचना में लिखेंगे कि ए को डी से, बी को ई से तथा सी को एफ से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुजी प्रिज्म प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है, एक चतुष्फलक की रचना खींचना है, ठीक है, चतुष्फलक, जैसे चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज यानी कि चार भुजा, वैसे यहाँ पर क्या दिया, चतुष्फलक यानी कि चतुष यानी चार, फलक फलक, ठीक है, इसमें कितने फलक होने चाहिए? चार फलक होने चाहिए, ठीक है, चतुष्फलक यानी क्या हो गया? चार फलक होने चाहिए। इसकी रचना हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज लेंगे, स्केल से ले लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से स्केल से पहले आप नाप लीजिएगा तो आपका सही त्रिभुज बन जाएगा, हाथ से बनाएंगे तो आपका सही नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप स्केल से ही कोशिश कीजिए कि आप स्केल से ही बनाए, उसको आप नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है, इस तरह से मैंने एक त्रिभुज बना दिया। इस त्रिभुज के बाहर हम एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट है पी, ठीक है, कहीं भी आप ले सकते हैं, तो एक पॉइंट आपको लेना है पी, ठीक है, अब इस पॉइंट से सभी जो पॉइंट्स है, सभी जो शीर्ष है उसको आप मिला दीजिए, ए को पी से, बी को पी से तथा सी को पी से, तो इस प्रकार जो आपको आकृति दिख रही है यही क्या है? चतुष्फलक। अब यहाँ पर मैंने कहा था कि चार फलक होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं चार फलक है या नहीं। सबसे पहले तो ये त्रिकोण आकार में दिख रहा होगा आपको इस तरह, ठीक है, त्रिकोण जैसे आकार में दिख रहा है तो आपको तीन फलक तो ऐसा ही होगा, ठीक है, देखिए एक इस तरह का जो फलक दिख रहा है पहला हो गया, एक उस तरफ दिख रहा है दूसरा हो गया, और एक पीछे दिख रहा है वो तीन फलक हो गए, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है आधार वो कितने हो गए? चार फलक हो गए, इस तरह आपका चार फलक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा ए बी सी जो नीचे का फलक दिख रहा है, ठीक है, सेकेंड ए पी सी जो इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, ए पी सी इस तरह का हो गया,
सेम हम उस तरफ भी ले लेते हैं, क्या है ए पी सी बी, पी सी बी उस तरह का फलक हो गया, और ये जो त्रिभुजाकार दिख रहा है ये पीछे का फलक हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया ए पी बी। इस तरह से आपका जो चतुष्फलक लिखोगे त्रिभुज ए बी सी, सबसे पहले तो आपने क्या बनाया त्रिभुज एबीसी बनाया, ठीक है। ए को पी से, पी को पी से तथा सी को पी से मिला। अब पी कहाँ से आया, हमने इस त्रिभुज के बाहर एक बिंदु पी लिया हुआ था तभी हमारा पी आया। तो आप टोटली जब आप लिखोगे तब लिखोगे सर्वप्रथम एक त्रिभुज एबीसी बनाया, इस त्रिभुज के बाहर एक बिंदु पी लिया, ठीक है। सर्वप्रथम एक त्रिभुज एबीसी बनाया, इस त्रिभुज के बाहर एक बिंदु पी लिया, बिंदु P को A से, P को B से तथा P को C से मिला। इस प्रकार चतुष्फलक प्राप्त हुआ जिसके चार फलक ए बी सी कॉमा ए पी सी कॉमा पी सी बी कॉमा तथा ए पी बी फलक है, ठीक है। इस तरह से आपको चार फलक भी लिखने होंगे, ठीक। इस तरह से आप क्या करोगे, चतुष्फलक जब बनाने बोलेगा तो ये बहुत ही सरल है। आप सबसे पहले त्रिभुज बनाए, इसके बारे में बिंदु पी लेना और सबको मिला देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमको जो पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि एक बहुफलक है, ठीक है, जिसमें चार फलक है, चार शीर्ष है, ठीक है। और उसमें आपको पूछ रहा है कि उसमें कोरों की संख्या क्या होगी। तो देखिये बहुफलक जो बोल रहा था उसमें चार फलक है बोल रहा है सबसे पहले, तो इसमें देखिए चार फलक है, ये हो गया, चार शीर्ष भी है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ठीक है। तो चार शीर्ष हो गए। तो इस तरह से जब चार फलक है और चार शीर्ष है तो वो किस में आ गया, ये चतुष्फलक में आ गया, ठीक है। तो जो बहुफलक जो हमको बोल रहा है वो कौन सा फलक है, चतुष्फलक है। तो जिसमें चार फलक तथा चार शीर्ष है तो उसमें कोरों की संख्या, अब कोर क्या होता है, कोर यानी होता है भुजा, ठीक है। कोर यानी क्या होता है, भुजा। हमको यहाँ पर भुजा गिननी है कि कितनी भुजा है, ठीक है। तो चलिए गिनते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। एक दो तीन चार, इस तरह से चार भुजा हुई। बीच की एक रेखा गई है वो पांच हो गई, और ये जो लंबा गया है बीच से वो कितनी हो गई, छह भुजा हो गई। तो इस तरह चतुष्फलक में कितनी भुजाएं होती, कितनी कोर होती हैं, छह कोर होती है। तो आप वहां पर क्या लिखोगे कि वहां पर कितनी कोर हैं, छह कोर हैं, ठीक है।